नमस्कार विराट 24 में आपका स्वागत है, मैं आपके साथ आदर्श। खबर रीवा जिले से है जहां पुलिस ने एटीएम फ्रॉड करने वाले आरोपी को बनारस से गिरफ्तार किया है। उक्त आरोपी आदित्य सिंह मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर, पीथमपुर, ग्वालियर, झांसी जैसे कई जिलों में लोगों को चूना लगा चुका है। दरअसल 2 जनवरी को नरेश मिश्रा नाम के व्यक्ति समान थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके द्वारा ICICI बैंक के ATM से पैसा निकालने का प्रयास किया गया था, लेकिन उस वक्त पैसा नहीं निकला। इसी दौरान दो युवक पहुंचे और मदद करने के नाम पर ATM बदल लिया था। इसके बाद उनके बेटे के मोबाइल में पैसा निकलने का मैसेज आया। जब जानकारी हुई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घटना की जानकारी थाने में दर्ज कराई तो पुलिस ने कई माध्यमों से मामले की जांच की तो संदिग्ध आरोपी पकड़ में आए हैं। पकड़े गए आरोपी आदित्य सिंह से पुलिस अन्य ठगी के संबंध में पूछताछ कर रही है। आइए आपको सुनाते हैं पकड़े गए आरोपी और पूरी घटना को लेकर CSP शिवाली चतुर्वेदी ने क्या जानकारी दी है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पूर्व एक फरियादी नरेश मिश्रा, जिनकी उम्र 50 वर्ष है, उन्होंने थाना आकर रिपोर्ट की थी कि 2 जनवरी को उनके साथ एक ATM फ्रॉड हो गया है। वो समान तिराहे में स्थित ICICI बैंक के ATM बूथ में गए हुए थे पैसे निकालने के लिए, परंतु उनके पैसे वहां पर नहीं निकल रहे थे। तो वहीं पास में 2 अज्ञात लड़के खड़े थे, तो उन्होंने मदद के नाम पर उनका ATM लिया और उनका पासवर्ड भी देख लिया और उसके बाद पैसे नहीं निकले और बातों में लगाकर उनका ATM एक्सचेंज कर दिया और उनके SBI के ATM को एक्सचेंज करके किसी दूसरे ATM को दे दिया, ATM कार्ड को। उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद जब फरियादी ने देखा कि उनका पैसा नहीं निकला है, फिर उनके बेटे के मोबाइल में मैसेज आया पैसे निकलने का, तो फिर उनको संदेह हुआ कि उनके द्वारा पैसा नहीं निकाला गया है, ना ही उनका पैसा निकला था। तो फिर उन्होंने थाना कर रिपोर्ट की और जो देखा ATM कार्ड, तो वो उनका ATM कार्ड नहीं था, वो जो नकली ATM कार्ड संदिग्ध जो अज्ञात 2 लड़के थे उनके द्वारा पकड़ाया गया था, उससे पैसे निकले। इसके बाद फिर जब इसमें तस्दीक की गई आसपास की CCTV फुटेज और अन्य टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से जो साक्ष्य एकत्रित हुए, उसमें एक लड़का आइडेंटिफाई हुआ जिसका नाम आदित्य सिंह है और जिसको अभी बनारस से दस्तयाब किया गया है। इसके अन्य साथी भी हैं जिनकी पता तलाश अभी की जा रही है और अभी पूछताछ के दौरान इससे चीज़ें जो सामने आई हैं तो उसे पता चला है कि ये कई जगह इस टाइप के फ्रॉड करते हैं। ये झांसी, इंदौर, उज्जैन, पीथमपुर इत्यादि जगह पर इस टाइप के फ्रॉड कर चुके हैं और ये सीधे साधे लोगों को या बुजुर्ग लोगों को अपने झांसे में लेते हैं और उनके ATM एक्सचेंज करके उनका पिन पासवर्ड देख के उससे पैसे निकाल लेते हैं। इसमें लोगों के लिए यही समझाइश है कि आपका ATM कार्ड बहुत ही आपका एक गोपनीय कार्ड होता है, जिसका पिन वगैरह किसी से शेयर ना करें, अपना कार्ड किसी को ना दें। अगर आपको नहीं आता है तो अपने परिजनों को लेके जाएं ATM से पैसा निकालने के लिए, किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना कार्ड ना दें और ना ही किसी के सामने अपना पासवर्ड उसमें टाइप करें। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।